टोहाना के अंदर आज सुबह सुबह जब मार्केट में पहुंचे तो यहां पर जाम लगा मिला टोहाना की लक्कड़ मार्केट के अंदर, और काफ़ी दुकानदारों के अंदर काफ़ी रोष और गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। आइए इसका कारण जानेंगे। सर क्या बताएंगे, आज सुबह सुबह ही जाम लगा दिया भाई साहब। हम 3-4 दिन से देख रहे हैं यहां पे, यहां से बाहर आके बरेटे से, बलाडा से, मानसा से, पंजाब के जितने भी वो दुकानदार हैं मूनक से, वो आके यहाँ पे पहले उन्होंने मेजे लगा ली, रास्ता यहाँ पे जाम हो गया सारा। दिवाली के अभी 20 दिन पड़े हैं, यहाँ से कोई कार नहीं आती। जो ये दुकानदार है जिनके किराए 40-40, 50-60 हज़ार रुपये किराया है, उनका सबका काम एक बार रुक गया है, मतलब क्योंकि कोई साथ से अभी 20 दिन पहले ही यहाँ पे आ गए, जाम लगा लिया। मेरा था मेजों से लगा के जाम लगा लिया, अभी हमने जगह रोक ली है इसको, तो इसलिए सारे दुकानदार परेशान है। जब कोई ग्राहक ही नहीं आएगा तो इस मार्केट का करेंगे भी क्या? पुलिस प्रशासन से भी आपने कोई? हमने पुलिस प्रशासन को भी कहा था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं की। एक घंटा से हमने जाम लगा रखा है, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन अभी तक हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि जो 20 दिन पहले ही दिवाली के होड़ लगी हुई है जगह रोकने की, किसी ने स्टाले लगा दी, किसी ने कुछ, कोई बाहर से आ गया, कोई जाखड़ से मुनक से आ गया, तो इनका कहना है कि 20 दिन पहले ही जो है रोकने के चक्कर में यहाँ पर जो है पूरी तरह से मार्केट को जाम कर दिया, जो दुकानदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है क्योंकि उसके आगे जो है बिल्कुल स्टाल लगा देते हैं, और फिलहाल 20 दिन पहले ही यहाँ पर लगना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पर जो जगह का चक्कर है, हर कोई चाहता है कि मेरे को मतलब पहले जगह मिल जाए, उसके चक्कर में पूरी मार्केट को जाम कर दिया जाता है। और ये देखिए जो दुकानदार है यहाँ पर क्यों बैठने को मजबूर हुए, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण कुमार। तो किस लिए मतलब कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, या फिर ये कहाँ से परमिशन लेके आते हैं? इनके पास कोई परमिशन नहीं है, सब बिना परमिशन के सब बाहर से आए हुए हैं, कोई लोकल दुकानदार इनमें नहीं है। अगर लोकल दुकानदार भी है उनको भी हमारे उसका भी एतराज़ है, 20 दिन पहले सारा मार्केट में जाम लग गया, आने जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से गाड़ी नहीं मुड़ सकती, कोई बाइक नहीं खड़ी हो सकती, हमारे को ये एतराज़ है, यहाँ से ये टेबल सारी हटवाई जाए। तो क्या लगता है जो मतलब ये जगह रोकने की होड़ अभी कभी आते? ये अभी 20 दिन दिवाली को पड़े हैं लगभग, और ये लगभग होड़ लगी हुई है अभी, पहले जगह हम रोक ले, पहले जगह हम रोक ले, और लेकिन आम पब्लिक के लिए आने जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल बंद हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे जैसे दुकानदारों को परेशानी? दुकानदारों का बिजनेस ठप होता है, इससे दिक्कत होती है, और मतलब आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है, और दिवाली से 1-2 दिन पहले तो चलो कुछ ना कुछ लगाई जा सकती है, लेकिन 20 दिन पहले क्या मतलब लगाने का? तो इससे मांग करते हैं बिल्कुल प्रशासन से भी ये सारी हटाई जाए बिल्कुल यहाँ से। क्या मांग करेंगे? मैं प्रशासन से, शासन से ये मांग करता हूँ को, क्योंकि दुकान के आगे कोई भी टेबल ना लगाए, और जो यहाँ रास्ते में आके जो लोग बाहर के आके टेबलें लगा देते हैं उनको ना लगाने दिया जाए, और जो भी गाड़ियाँ भी यहाँ रास्ते में खड़ी होती है उनके सुचारू रूप से चलान काटे जाए ताकि वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर सके। मैं प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी टेबलों को उठवा के वहाँ पे कमेटी में जमा कर लीजिए ताकि कोई भी आदमी यहाँ टेबल ना लगे। यहाँ जब तक टेबल नहीं, कार्रवाई नहीं होती, और यहाँ जब तक टेबलें नहीं उठती यहाँ तक हम लोग जाम लगा के रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो दुकानदारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है। एक बार फिर मैं आपको मामला बताना चाहूँगा, ये जो लक्कड़ मार्केट है, खुली मार्केट है, इसके अंदर क्या हुआ कि अभी दिवाली से 20 दिन पहले ही बाहर से कुछ आते हैं या कोई दुकानदार है, उन्होंने पहले ही टेबल लगाने शुरू कर दी कि कहीं फिर जगह ना रुक जाए। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो मार्केट है, मार्केट के अंदर काफ़ी भीड़ हो जाती है, जहां आना जाने में लोगों को भारी दिक्कत हो रही है, दुकानदारों को परेशानी है क्योंकि उनके आगे टेबल लगा दी। तो इन दुकानदारों की ने मांग की है कि इन टेबलों को हटाया जाए दिवाली के आसपास, जब 2-3 दिन पहले लगाएं, लेकिन इतने दिन पहले ये मांग है। देखना होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या इनकी मांगे पूरी होती है। फिलहाल बने रहे TVN। ये थोड़ी देर है, कोई जाखा लगाया, कोई मुंह लगाया, इनको ढोआ के।